और भाई कैसी है पब्लिक। सो आज भी मेरे पास काफी सारी न्यूज हैं, सो वीडियो को लास्ट तक देखते रहना। ओके देन बात कर लेते हैं आज के शॉर्ट आउट की, जो कि जाता है आरुषि आनंद और डेमन क्रोन को। जिस टाइम मैंने कमेंट पिक किया था तब इनके कमेंट पर 0 लाइक था, तो अगर आप लोग भी नेक्स्ट वीडियो में शॉर्ट आउट चाहते हो तो इस वीडियो को लाइक और एक जेन्युइन कमेंट कर देना, और फिर जिसके कमेंट पर 0 लाइक होगा उसको नेक्स्ट वीडियो में शॉर्ट आउट मिल जाएगा। ओके देन बात कर लेते हैं आज की फर्स्ट न्यूज की, जो कि गेमर फ्रीड को लेके। जैसे कि बिग बॉस में अदनान शेख आए थे वाइल्ड कार्ड एंट्री लेके, और 1 वीक के अंदर ही उसको बाहर कर दिया गया, और फिर उसके बाद को इसी वजह से काफी ज्यादा ट्रोल भी किया जा रहा है। तो वैसे में अपने गेमर फ्रीड ने भी अदनान को एक्सपोज कर दिया है अपनी न्यू वीडियो में, तो देखो तुम लोग वो क्या बोले। सरवाइव कर रही है बंदा आके, कैसा मैनिपुलेट कर रहे तेरे को मैं बताऊंगा आके अंदर, अभी तू देखिए वो करके ऐसे करके। भाई आया अंदर बाद में आया, बाहर पहले चले गया भाई, एक पैर बाहर एक पैर अंदर, बीच में ऐसे और किसी ने धक्का ही मार दिया बाहर। भाई इस बंदे ने लिटरली इंटरव्यू भी दिया था तुम्हें पता है, कि भाई बिग बॉस में मेरे को टिश्यू पेपर की तरह यूज करके फेंक दिया भाई, की मतलब एक तरह से इसको पॉपुलैरिटी के लिए बुलाया और उसके बाद इसको निकाल। अरे भाई तू निकला कैसे फिर भाई, टास्क हो नहीं पा रहे हैं भाई, टिश्यू पेपर की तरह फेंक दिया। भाई लोग पैसे लेके बिग बॉस में आते हैं, मुझे तो लगता है ये बंदा पैसे दे के बिग बॉस में आया था, और करेक्ट गिन के इसके जो 07 लगा ना पीछे, उतने ही दिन का कॉन्ट्रैक्ट लिया था, तो बिग बॉस ने एग्जैक्टली 07 देखा और उसके बाद इसको बोला चलो भाई आपका कॉन्ट्रैक्ट खत्म, अब आप निकलो। भाई बाहर जाके वो जो भी बोल रहा है भगवान जाने भाई, और भाई सबने फेल दिया भाई इस बंदे को लिटरली। ऐसा नहीं कि भाई की बहुत इज्जत थी उससे पहले भी, बट फिर भी भाई इसमें आके भाई ने और थोड़ी ज्यादा बेइज्जती करवा के चले गया भाई। ओके देन बात करते हैं अपने लिए न्यूज की, जो करी अर टेरर को लेके। तो जैसे कि लास्ट वीडियो में मैंने आपको बताया था कि स्मार्टिफाई ने बोला कि अर टेरर होगलाला सेम्पी में आने वाला है, तो अर टेरर ने भी एक पोस्ट करी, गेस करो किसके साथ कोलैब आ रहा है। हाँ, अर टेरर की होगलाला सेम्पी में एंट्री हो चुकी है। ओके देन बात करते हैं अपने लिए न्यूज की, जो करी प्रोबोस को लेके। तो इन्होंने अपने मोस्ट अवेटेड डार्क हीरो सीरीज का अपडेट दिया है और ये पोस्ट करी हु इज ही, और आप लोग पोस्टर देख सकते हो। बाकी अगर आप लोगों को इसके बारे में कुछ भी पता है तो मुझे कमेंट में बता सकते हो। ऑल्सो प्रोबोस की बात हो रही है, तो जैसे कि यूक प्लेस ने प्रोबोस के फेस रिवील पर वीडियो डाला था जिसके पार्ट टू के लिए 50K लाइक्स का टारगेट था, बट उस पे करंटली मोर देन 70K लाइक्स हो चुके हैं, और युग ने ये पोस्ट करी है, इसका सेकंड पार्ट भी काफी जल्द आने वाला है। ओके देन बात करते हैं अपने लिनुस की, जो कि सेनपाई स्पाइडर को लेके। तो क्या सेनपाई का फेस रिवील 1 जनवरी को होने वाला है? तो अभी इसी टॉपिक पर कल जब सेनपाई लाइव स्ट्रीमिंग कर रहे थे तो उस पे किसी ने उनसे पूछा, तो वो क्या बोले देखो तुम लोग। 1 जनवरी को फेस रिवील, 1 जनवरी को तो नहीं दोस्त, बट 1 जनवरी के बाद जरूर होगा। मैं ये नहीं कह रहा जनवरी में ही होगा, बट हाँ 2025 के स्टार्टिंग वाले टाइम में कुछ तुम कह के चल सकते हो। बेसिकली भाई बहुत सारी चीजें इन रियल लाइफ जो मेरे को थोड़ा कंप्लीट करना, उसके बाद हम करेंगे मस्त फेस रिवील भाई। आई नो तुम लोग एक्साइटेड हो, मैं खुद हूँ यार, मैं करना चाहता हूँ नए कॉन्टेंट, एक्सप्लोर लोगों से मिलना चाहता हूँ, एंड वो हम करेंगे। हमारा ऑप्टिमल गोल है फैन फेस्ट में जाना भाई, फैन फेस्ट समझ रहे हो, यूट्यूब फैन फेस्ट। उधर भाई मैं आ गया तो आग ही लग जाएगी ना भाई, समझ रहे हो, अपने लोग आएंगे, मीटअप होगा भाई, मतलब मजा आने वाला है यार। मतलब अभी तो बस शुरुआत है यार हमारे चैनल की, सेनपाई स्पाइडर मतलब इट्स जस्ट अ बिगिनिंग टू समथिंग वेरी ग्रेट। ऑल्सो इसी स्ट्रीम में किसने सेनपाई को बोला कि वो वॉइस चेंजर यूज करते हैं, तो इस पे सेनपाई काफी गुस्सा हुए और क्या बोले देखो तुम लोग। सेनपाई वॉइस चेंजर यूज करता है, अरे और नहीं तो क्या भाई, आज कल भी यार ये सब चल रहा है, इट इज वेरी सरप्राइजिंग, लेकिन अच्छा यार मजा आती है जब भी कोई मैसेज करता है वॉइस चेंजर यस। दोस्त कोई वॉइस चेंजर नहीं है, पहले देख लेते हैं क्या लेना है यहाँ पे। ओके जन बात करते हैं आप लिनुस की, जो करी यस मार्टिफाई को लेके। तो जैसे कि अभी के टाइम पे यस मार्टिफाई मैनहंट के वीडियोस काफी कम बनाते हैं, बट अब लास्ट रिएक्शन वीडियो में यस मार्टिफाई ने न्यू मैनहंट वीडियो पर कुछ बोला है, तो क्या बोला है देखो तुम लोग। सो अजीब यार गाइस, मुझे कमेंट सेक्शन में बताओ मैनहंट के लिए वोट करो, ठीक है ना भाई, मैनहंट के लिए वोट करो गाइस, तुम लोगों के वोट चाहिए मेरे को यार, मेरे को मोटिवेशन चाहिए अंदर से मैनहंट के लिए, मैं एक मैनहंट लाना चाहता हूँ दोबारा से, वापस कम बैक करना चाहता हूँ मैनहंट में। ओके सो आज के इस वाले वीडियो में इतना ही, मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।